वेलकम टू दिस सेशन ऑफ बस्टिंग मिथ्स। मैं हूं अनुगुप्ता। अक्सर ये कहा जाता है कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, मतलब फ्रिक्शन हर मोशन को अपोज करता है। क्या सच में? चलिए देखते हैं ये बात कितनी सच है। इसे जानने के लिए आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने लिया एक ब्लॉक, जिसे मैंने एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दिया। जब मैं इस ब्लॉक पे एक साइडवेज फोर्स लगाता हूँ तो उसकी वजह से ये आगे सरकना शुरू हो जाता है और इसके और जमीन के बीच का फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करता है। तो अभी तक तो देख के यही लग रहा है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, पर अब हम बात करते हैं इसी एक्सपेरिमेंट के सेकेंड पार्ट की। इस पार्ट के लिए मैंने एक कप लिया, जिसे मैंने इस बॉक्स के ऊपर रख दिया। अब एक बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी बॉडी को चलना शुरू करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। अब अगर मैं इस कंबाइंड सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाता हूं और उसे आगे बढ़ाता हूं, तो आप देखते हैं कि ब्लॉक तो आगे बढ़ ही रहा है पर साथ में कप भी आगे जा रहा है। सवाल यह है कि कप पे कौन सी फोर्स लगी है? एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, कप पे जो फोर्स लगी है वो भी फ्रिक्शन ही है। वो एक्चुअली फ्रिक्शन है कप और बॉक्स के बीच का। अगर इस कप और इस ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? फ्रिक्शन की एब्सेंस की वजह से इस कप के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगती ही नहीं, यानी कि इसका मोशन जनरेट ही नहीं होता। कहने का मतलब, अगर मैं इस ब्लॉक को फिर भी खींचता तो उस केस में ब्लॉक तो आगे निकल जाता पर कप वहीं रह जाता। दरअसल फ्रिक्शन मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी कि फ्रिक्शन जब भी दो सर्फेसेस के बीच में लगता है तो हमेशा उन दोनों के बीच में स्लिपिंग होने से रोकने की कोशिश करता रहता है। इसी रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश में कई बार फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है और जनरेट भी करता है। जैसे कि आज के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कप का मोशन फ्रिक्शन ने ही जनरेट किया था। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। सो कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग।